हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसी लग रही क्लासेस आपको? आज हमारा 8 दिन का जो है सेशन कंप्लीट हो चुका है और अब हम आज 9th क्लास के लिए हैं आपके सामने। और आज का जो सेशन है थोड़ा सा टिपिकल है, कंडीशनल आज पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले आपने इजी सेंटेंसेस पढ़े और फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेकर के आईएनजी फॉर्म तक के सेंटेंसेस पढ़े और आज बारी है कंडीशनल की। कंडीशनल का जो अर्थ होता है वो होता है परिस्थितिवाचक वाक्य। अब परिस्थितिवाचक वाक्यों में क्या विशेष होता है इसको देखना है। थोड़ा सा लंबे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं आज, और आज इनको हमें पढ़ना है। थोड़ा सा मन को और दृढ़ करना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो 2 से 3 बार आपको वीडियो देखना पड़ सकता है। तो परिस्थितिवाचक वाक्य यानी कंडीशनल सेंटेंस। अब इसमें जो पहला सेंटेंस है वो है अगर आप उसे समझाते, अगर आप उसे समझाते तो वह समझ जाता। ऐसे सेंटेंसेस कंडीशनल का मतलब। अब ये कंडीशनल पास्ट है और कंडीशनल का जो वो है कि ये सेंटेंस जो है इसका रूल ये है कि 2 सेंटेंसेस से मिलकर बनता है। पहला इसका रूल ये है कि 2 सेंटेंसेस से मिलकर बनता है। दूसरा रूल ये है कि ये जो दोनों ही सेंटेंस हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस होते हैं। और ये चीज ध्यान देने वाली है कि ये दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे के, एक के बिना दूसरा सेंटेंस अधूरा होता है। तीसरा, अगर ये सेंटेंस आप पॉजिटिव में बोल रहे हैं तो दोनों ही जो कार्य हैं वो इनकम्प्लीट दिखाई देंगे। दोनों ही कार्य क्या हैं? ये इनकम्प्लीट यानी अधूरे दिखाई देंगे। अगर आप उसे समझाते तो वो समझ जाता, यानी ना आपने उसे समझाया और ना ही वो समझा। और इसी के साथ ही यदि या अगर से शुरू होते हैं, यानी इफ से शुरू होते हैं। तो यदि या अगर से शुरू होने वाले वाक्य, 2 सेंटेंसेस को मिलकर बनाए जाने वाले वाक्य, एक दूसरे के जो दोनों वाक्य हैं एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही कार्य इनकम्प्लीट है। थोड़ा टिपिकल हो गया लेकिन आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो समझेंगे। तो अगर हम इसको रिलेट करते हैं, जैसे 2 सेंटेंस, अगर आप उसे समझाते एक सेंटेंस हो गया तो वह समझ जाता, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो पहला एग्जाम्पल आपने देख लिया कि 2 सेंटेंस से मिलकर बना, पहला सेंटेंस है अगर आप उसे समझाते यहां तक और फिर तो वह समझ जाता यहां तक। अब दोनों सेंटेंस पूरक कैसे हुए? अगर आप केवल ऐसे सेंटेंस बोलेंगे अगर आप उसे समझाते तो क्या पूरा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ये सेंटेंस अधूरा है जब तक इसमें आप कुछ जोड़ेंगे नहीं, और जब आप इसमें जोड़ देते हैं तो वह समझ जाता तो ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप खाली ये सेंटेंस बोलेगी तो वह समझ जाता तो क्या पूरा लग रहा? बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों, एक सेंटेंस दूसरे के बिना अधूरा है, यानी ये दोनों ही सेंटेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री। तीसरी क्या शर्त है यहां पर कंडीशनल की? कंडीशंस रखी गई, परिस्थितियां इनकम्प्लीट है दोनों। जैसे अगर आप उसे समझाते, पहली परिस्थिति यह है कि अगर आप उसे समझाते तो वह समझ जाता, तो ना आपने उसे समझाया और ना ही वो समझा। इसका स्ट्रक्चर देखें, इफ सबसे पहला, यदि अगर के लिए, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट पहला, अगर आप उसे समझाते तो आप वाला यहां पे हैड, अगर निगेटिव है तो यहां पे नॉट लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट सेकंड, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर वुड, निगेटिव अगर सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट सेकंड, फिर वुड, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर से ऑब्जेक्ट। तो ये 2 सेंटेंस है, थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा समझने में, लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे जरूर। तो अगर आप उसे समझाते तो समझ जाता, ट्रांसलेशन क्या होगा? अगर आप, इफ यू, इसके बाद आपने हैड, हैड कन्विंस्ड, समझाने की इंग्लिश कन्विंस्ड होती है, ईडी लग जाएगा, कन्विंस्ड किसे समझाते? उसे समझाते हिम, तो वह समझ जाता, ही वुड हैव अंडरस्टूड। अगर आप उसे समझाते तो वह समझ जाता, इफ यू हैड कन्विंस्ड हिम ही वुड हैव अंडरस्टूड, इफ यू हैड कन्विंस्ड हिम ही वुड हैव अंडरस्टूड। अगला सेंटेंस है, अगर भैया उसे आमंत्रित कर देते तो वह यहां आ जाता, अगर भैया उसे आमंत्रित कर देते तो वह यहां आ जाता। तो इफ सब्जेक्ट क्या है? भैया, क्या करते? हैड, यहां से लगाएंगे हैड, फिर आमंत्रित करने के लिए इनवाइटेड, किसे आमंत्रित करते? उसे, हिम, तो वह यहां आ जाता, ही वुड हैव
कम हेयर, कौन आता, वह यहां आ जाता, ही वुड हैव कम हेयर, सिंपल है। अब आगे चलेंगे, अगर पापा ने उसे डांटा ना होता, पहली कंडीशन क्या है, पापा ने उसे डांटा, अगर पापा ने उसे डांटा ना होता तो वो यहां ना आती, ठीक। अगर पापा ने उसे डांटा ना होता तो वह यहां ना आता, अगर आती लगाएंगे तो शी लगा देंगे, अगर आता लगाएंगे तो ही लगाएंगे। इफ पापा हैड नॉट स्कोल्डेड हिम, उसे, ही वुड नॉट हैव कम हियर। इफ पापा हैड नॉट स्कोल्डेड हिम, ही वुड नॉट हैव कम हियर। अगर आपने यहां पे लिख दिया अगर पापा ने उसे डांटा ना होता तो यहां ना आती, तो यहां पे आप क्या लिखते, पापा हैड नॉट स्कोल्डेड हर, तो ही की जगह क्या हो जाता, शी। इफ पापा हैड नॉट स्कोल्डेड हर, शी वुड नॉट हैव कम हियर, ठीक। अगर अगला सेंटेंस हम देखें, एक और सेंटेंस लिया है निगेटिव में, अगर हम उसका पीछा ना करते तो वह भाग जाता, अगर हम उसका पीछा ना करते तो, अगर हम, इफ वी हैड नॉट चेज्ड हिम, ही वुड हैव रन अवे। इफ वी हैड नॉट, देखिए कंडीशनल आया, परिस्थितिवाचक आया, दो सेंटेंस ऐसे आए जो एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही कार्य इनकम्प्लीट है। अब यहां पे अगर हम उसका पीछा ना करते, मतलब पीछा किया, इफ वी हैड नॉट चेज्ड हिम, तो भाग जाता, मतलब भाग नहीं पाया तो वह भाग जाता। जो बात कही जा रही है उसका उल्टा हो रहा, अगर आप उसे समझाते, मतलब नहीं समझा, इसका उल्टा हो रहा, तो वह समझ जाता, तो ही वुड हैव अंडरस्टूड, मतलब इसका उल्टा हुआ, न समझाया न समझा। अगर भैया उसे आमंत्रित करते थे, यानी भैया ने आमंत्रित नहीं किया, तो वह यहां आ जाता, मतलब वो नहीं आया, ना आमंत्रित किया ना आया। अगर पापा ने उसे डांटा ना होता, अब इसमें अगर डांटा ना होता मतलब पापा ने क्या किया, डांट दिया, जो लिखा उसका अपोजिट होना, तो वह यहां ना आता, तो मतलब तो वह यहां ना आता, मतलब वो आ गया, ही वुड नॉट हैव कम, मतलब आ गया, पापा ने डांटा और वो आ गया, इसका उल्टा काम हो गया। अगर हम उसका पीछा ना करते, मतलब पीछा किया, इफ वी हैड नॉट चेज्ड हिम, तो वह भाग जाता, मतलब भाग नहीं पाया, तो ही वुड हैव रन अवे, मतलब हमने उसका पीछा किया और उसको पकड़ लिया। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, परिस्थिति वाचक वाक्य है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, तो आपको इस पर बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है, समझने के साथ साथ वोकैब्स को फिट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, स्ट्रक्चर को अच्छे से रख लीजिए और पूछते रहिए। अब इसके थोड़े से मैंने जो है क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप देखें, अगर तुम दौड़ते तो कुत्ता तुम्हें काट लेता, अगर तुम दौड़ते तो कुत्ता तुम्हें काट लेता। अब जनरली जो है, अब इस सेंटेंस को हम प्रयोग करेंगे कि अगर तुम दौड़ते, इफ यू हैड रन, ठीक, तो कुत्ता बैठा रहता तो क्या करते हैं, भागते हैं, अगर भागेंगे, जनरली आप भागते हैं तो क्या होता है, तो दौड़ाता है, अगर आप खड़े हो गए, ठीक, हाथ में डंडा है तो अच्छा है, तो खड़े हो गए, इफ यू हैड रन, डॉग वुड हैव बिटन यू, दांत से काटने को बाइट, बिट बिटन बाइटिंग, इफ यू हैड रन डॉग वुड हैव बिटन यू। अब अगला सेंटेंस देखिए, अगर मम्मी खाना ना बनाती तो मैं खाना ना खाता, मतलब मम्मी ने बनाया और मैंने खाया, तो इफ मम्मी हैड नॉट कुक्ड फूड, अगर मम्मी खाना ना बनाती, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, लिख लीजिएगा सेंटेंस, इफ मम्मी हैड नॉट कुक्ड फूड तो मैं खाना ना खाता, आई वुड नॉट हैव ईटन, ठीक। अगला सेंटेंस है, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम सफल जरूर होते, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम सफल जरूर होते, तो रह गया था, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड, वर्कड हार्ड, वर्क हार्ड, वर्किंग हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड डेफिनेटली, तो डेफिनेटली लगा देंगे, जरूर है, अगर वह मुझे न टोंकती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, मतलब उसने मुझे टोंक दिया और मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, इफ शी हैड नॉट accosted मी, इफ शी हैड नॉट accosted मी आई वुड हैव helped यू डेफिनेटली, ठीक। अब लास्ट सेंटेंस क्या है इसका, प्रैक्टिस का, अगर पापा मुझे पढ़ाते तो मैं पास हो जाता, अगर पापा मुझे पढ़ाते तो मैं पास हो जाता, क्या होगा ट्रांसलेशन, If Papa had taught me,
I would have passed. If papa had taught me, I would have passed. तो ये था हमारा स्ट्रक्चर कंडीशनल का. कंडीशनल में बहुत अच्छे से ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं कि दो सेंटेंसेस मिलके बने, इसे थोड़ा टिपिकल हो रहा है. अभी तक आपने अगर रेगुलर प्रैक्टिस की है तो आपको जरूर समझ में आएगा. शुरू से सारी क्लासेस जरूर लें, पहली क्लास, पहले वीडियो, दूसरी वीडियो, अगर आपकी कैपेबिलिटी एक दिन में ज्यादा वीडियो देखने के तो देखें, नहीं तो कम से कम उसको दवा के डोज की तरह दिन में एक बार जरूर लें. अगर थोड़ा और आप कैपेबल हैं तो दो वीडियो देखें, इससे ज्यादा ना देखें. जो भी वीडियो देखें उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, उनको मीनिंग्स पे पुट जरूर करें, उनको समझने का प्रयास जरूर करें, जिससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होता रहे. और बार बार एक चीज मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इंसिस्टेंट हार्डवर्क आपको करना है, रेगुलर. अगर रेगुलरिटी छूटी तो फिर समस्या थोड़ी खड़ी हो जाएगी, तभी प्रॉब्लम होगी. तो रेगुलरिटी को छोड़ना नहीं है, डेली पढ़ना है और डेली कम से कम एक वीडियो जरूर देखना है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लासेस कंडीशनल. नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.